हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो कोडिंग और डिकोडिंग का टॉपिक होगा। जो आज मेरा डे टू है, मैंने एक क्लास में पूरे डाइस को फिनिश अच्छी तरीके से कर दिया है। तो जिसने भी डाइस की वीडियो नहीं देखी है वो पहले डाइस की वीडियो देख ले अच्छी तरीके से। और जो आज का टॉपिक है वो कोडिंग एंड डिकोडिंग होगा। बहुत वही 30 से 40 मिनट लगेंगे इस टॉपिक को फिनिश करने में। इसमें जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं उन्हें डिस्कस किया जाएगा। और तुम्हें ABCD किस तरीके से लर्न करनी है वो पूरा अल्फाबेटिकल सीरीज A to Z तक मैं अभी चुटकियों में लर्न करा दूंगा। और कोई ऐसा ज़्यादा तुम्हें लॉजिक नहीं लगाना है। वही हमारी जो एक तरीके से देसी तरीके से उन्हें हम लर्न करते हैं और बहुत आसानी से। चाहे वो SSC JEE का एग्जाम हो, UPI पुलिस का एग्जाम हो, कोई भी अदर एग्जाम हो, तो जो कोडिंग और डिकोडिंग का जो क्वेश्चन है वो एक या दो क्वेश्चन हमें देखने को मिलता ही मिलता है। आइदर वी आर टॉकिंग अबाउट द UPSC एंड अदर एग्जाम्स लाइक UPPCS, SSC एंड UP पुलिस, SSC JEE एंड लॉट ऑफ एग्जाम्स आर देयर। बहुत सारे एग्जाम होते हैं, तो सब एग्जाम के अंदर जो ये टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे ऐसा नहीं है कोडिंग और डिकोडिंग, जैसे एनालॉजी के अंदर भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हमें पहले तो यही डिस्कस करना है कि जो A to Z जो मेरी अल्फाबेटिकल सीरीज है उसको मैं किस तरीके से लर्न करूँ। तो आज मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगा। आज के बाद में कभी भूलोगे नहीं कि हमें A से Z तक उनके नंबर्स होते हैं, उन्हें कैसे लर्न करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। जो मेरा टॉपिक है डालता हूँ मैं हेडिंग, और आप भी सभी लोग नोट्स बनाते हैं साथ साथ, तो मैं पूरा इसको कंप्लीट बताऊंगा। और कितने टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा टॉपिक है वो है मेरे पास में कोडिंग एंड डिकोडिंग। अब इसमें सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसमें यही है कि मुझे A से लेके Z तक जो अल्फाबेटिकल नंबर्स होते हैं वो मुझे सीखने पड़ेंगे। कि मेरे पास में जैसे मैंने डी ले लिया, डी कौन से नंबर पे आता है, टी कौन से नंबर पे आता है, पी कौन से नंबर पे आता है, एफ कौन से नंबर पे आता है। तो पहले मुझको ये लर्न करने पड़ेंगे। तो इनको लर्न करने में क्या है, जैसे ज्यादातर मैंने देखा है स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लेकिन आज के बाद में इन्हें आप भूलोगे नहीं। इतनी अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा कि कैसे मुझे जो नंबर्स हैं वो लर्न करने हैं। तो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कुछ ट्रिक्स कैसे मैंने लर्न करेंगे। जैसे मैंने क्या किया, अब मैंने क्या है कि यहाँ A से लेके Z तक मैंने पूरी ABCD को राइट डाउन कर लिया है। A कौन से नंबर पे आता है, B कौन से नंबर पे आता है, K कौन से नंबर पे आता है, S का कौन सा नंबर होने वाला है, व्हाट इज द नंबर ऑफ W। तो ये मेरे पास में A से लेके Z तक जो भी मैंने ABCD को राइट डाउन किया है, तो मुझे क्या है पहले इनके नंबर्स आने चाहिए। अगर मुझे नंबर्स आते हैं तो मैं क्वेश्चन को देखते ही है, मतलब मैं जैसे क्वेश्चन मैंने देखा मैं क्वेश्चन का देख के आंसर लगा सकता हूँ अगर मुझे नंबर्स आते हैं तो। अब देखो मैं इनकी कैसे मैंने बताई थी ना, मैं बेहतरीन एक ट्रिक बताऊंगा। तो इसकी ट्रिक्स क्या है, ऐसा नहीं है कि कोई दिमाग लगाना है। देखो इसकी क्या ट्रिक्स होगी, तो हम ट्रिक्स की बात करते हैं कि इसकी क्या ट्रिक्स होने वाली है और किस तरीके से हम इनको लर्न करेंगे। देखो वन बाई वन हम इनको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इनको समझेंगे। सबसे पहले मैंने क्या लिया, मैं लेता हूं टी को। जैसे मैंने लिया टी, टी का पूछा टी का कौन सा नंबर होता है, तो हम जानते हैं कि T4 क्या होता है, 20। क्या होता है भाई साहब, T4 20 होता है। तो 20 मतलब T का नंबर कौन सा हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आज के बाद में अगर कोई भी तुमसे पूछेगा कि T कौन से नंबर पे आता है, तो T4 क्या होता है, 20। तो T का नंबर कौन सा है, 20 है मेरे पास में। इसे आज के बाद कभी भूल नहीं पाओगे। और मेरे पास में मैंने बोला जैसे ये H आया, मैं सबको बताऊंगा। जैसे मेरे पास में H आया, मैंने बोला H कौन सा नंबर होता है, तो हमें पता है अगर मैं H को थोड़ा सा ऐसे ऊपर करूंगा और थोड़ा सा ऐसे ऊपर करूंगा तो ये कौन सा नंबर पे आ जाएगा, 8 पे आ जाएगा। कौन से पे आ जाएगा, 8। तो H का नंबर कौन सा होता है, 8 होता है। तो ये भी अब तुम आज की बात नहीं बोलोगे कि मेरे पास में H है, H का कौन सा नंबर होने वाला है, H कौन से नंबर पे आता है, इसका क्या सीक्वेंस होने वाला है। अगर मैं I की बात करूंगा तो I तुम्हें पता है, I को मैं कैसे बोलता हूँ, दो तरीके से बता सकता हूँ। कि जैसे अगर मैंने इसे किया इस तरीके से तो मुझे कैसा लग रहा है, 9 का लग रहा है। या मैं कैसे बोल सकता हूँ, आई नो। क्या बोलूंगा मैं, आई नो। आई नो का मीनिंग क्या हुआ, इसका नंबर कौन सा होता है, 9। कौन सा होता है, इसका नंबर 9 होता है। तो जैसे मैंने T की बात की, H की बात की, मैंने I की बात की, और भी मेरे पास में बहुत सारे नंबर हैं। जैसे मैंने लिया K, मैंने K लिया। अब K हमें पता है, K में क्या है कि देखो एक ये ना डंडा मैंने यहाँ लिखा, एक मेरे पास में ये डंडा, तो ये कितना हो गया, 11। तो अगर मैं K के नंबर की बात करूंगा तो K का कौन सा नंबर होता है, द नंबर ऑफ K इज टू बी 11। K मेरा 11 नंबर पे आता है। आई नो कैसे बोलूंगा मैं, आई नो मतलब आई का नंबर कौन सा होता है, 9। T4 20। H का मीनिंग क्या है, 8। H मेरा 8 नंबर पे आता है। तो ये और भी देखो और कैसे करेंगे, K के बाद में फिर मैंने लिया M। तो ये M है, मुझे 3 का दिख रहा है, नहीं दिख रहा भाई उधर से देखो, 3 का दिख रहा होगा तुम्हें। तो मैंने क्या किया, इसके आगे 1 लगा दिया, तो M4 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, M4 13 हो जाएगा। अगर मैं M के बाद में और भी बात करूंगा, जैसे मेरे पास में है W,
जस्ट एम का अपोजिट होता है डब्ल्यू, तो इसका मीनिंग क्या, इसमें मैं 10 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो देखो हमें सब नंबर लर्न होते जा रहे हैं, टी हो गया लर्न, टी फोर 20, एच मेरा 8 पे आता है, आई नो मतलब आई 9 पे होता है, के के मतलब हमें लगा है ना एक मेरे पास में ये डंडा एक ही है, तो कितना हो जाएगा 11। और मैं कैसे बोल सकता हूँ किंग 11, जैसे जो किंग 11 पंजाब की टीम होती है उसके हिसाब से भी किंग 11, तो के का मीनिंग क्या हो जाएगा 11। एम एम मेरा क्या हो जाएगा 13, क्योंकि मुझे कैसा लगता है 3 का दिखता है, तो ये हो जाएगा 13। डब्ल्यू जस्ट इसका रिवर्स होता है, तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। और भी इसकी बहुत सारी ट्रिक है, जैसे जब मैं डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क करना, डब्ल्यू का मीनिंग क्या वर्क करना, कोई भी काम करना, तो अगर मैं कोई भी काम करता हूं तो हमें 24 आवर काम नहीं करना चाहिए, तो कितने आवर काम करना चाहिए 23 आवर करना चाहिए, तो डब्ल्यू का मीनिंग क्या हो जाएगा, डब्ल्यू का नंबर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब देखो डब्ल्यू के बाद और समझते हैं, और मेरे पास में क्या है, यहां मेरे पास में है जी, तो देखो अगर मैं जी को देखता हूं तो इट्स सीम टू बी सेवन, ये मुझे कैसी दिखती है, इट लुक लाइक टू बी सेवन, ये मुझे सेवन की तरह दिखती है, तो अगर ये सेवन की तरह दिखती है तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, जी का मीनिंग क्या है सेवन, और मैं क्या बोल सकता हूँ कि जी सेवन, जैसे ग्रुप ऑफ सेवन कंट्रीज, तो जी का मीनिंग क्या है सेवन, जी मेरा कौन से नंबर पे आता है सेवन नंबर पे आता है, तो ये जी की बात हो गई। जी के बाद में अगर मैं एफ की बात करूंगा तो एफ का मीनिंग क्या होता है फिक्स, और फिक्स का मतलब क्या है सिक्स, फिक्स सिक्स, तो मैं एफ को इस तरीके से बोल दूंगा फिक्स और सिक्स, ये भी नहीं आप भूलोगे मुझे लग रहा है। और मेरे पास में कौन सा बचा एल, अगर मैं एल की बात करूंगा तो लंच, लंच मेरा कौन से टाइम पे होता है 12 बजे होता है, कितने बजे होता है 12 बजे होता है, तो एल का मीनिंग क्या हो जाएगा ये 6 पे आ जाएगा, एल मेरे कितने पे आ जाएगा एल मेरा 12 पे आ जाएगा, तो लंच मेरा किस टाइम पे होता है 12 बजे होता है, तो मैं अब भूलूंगा नहीं कभी, एल फॉर लंच और लंच किस टाइम पे होता है 12 बजे, तो एल का नंबर कौन सा हो जाएगा 12 हो जाएगा। और देखो ये सेम जी है ना, तो जी जैसा ही मुझे कौन लगता है क्यू इस तरीके से, तो जैसे एम का अपोजिट था डब्ल्यू, इसी तरीके से जी का अपोजिट होता है क्यू, अपोजिट नहीं एक तरीके से इस जैसा लगता है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो ये मुझे इस तरीके का लगेगा, तो क्यू का क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यू का 17 हो जाएगा। अब देखो मेरे पास में पी आया, इस पी को देखो भाई, तो पी क्या है कि जब हम इसको रिवर्स करके देखेंगे तो मुझे कैसा दिखता है 6 का, ऐसा ही तो दिखता है 6 टाइप का, देखो इसे उल्टा करके, इसके आगे मैंने अगर 1 लगा दिया तो मेरा पी कौन से नंबर पे आ जाएगा 16 पे आ जाएगा, पी कौन से पे आ जाएगा 16 पे आ जाएगा। या हम और भी ऐसे बोल सकते हैं कि 16 ईयर का कौन था प्रिंस था, और प्रिंस ने क्या किया 17 ईयर की क्यून से क्या कर ली मैरिज कर लिया, तो पी क्यू 16 17, पी का मतलब क्या है 16 ईयर का कौन था प्रिंस था, किससे मैरिज कर ली 17 ईयर की क्यून से, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा पी का नंबर 16 और क्यू का नंबर हो जाएगा 17। तो ये भी बहुत बेहतरीन चीज है, सब तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अभी और भी बात करते हैं कि और मेरे पास में कुछ नंबर बचे हुए हैं उन्हें कैसे करेंगे, देखो पी तक समझ में आए, इससे और आगे समझते हैं, और आगे मेरे पास में गिवन है आर, तो आर आर का मतलब होता है राइट टू वोट, क्या मीनिंग होता है राइट टू वोट। अब हम सभी को पता है कि जो वोट डालने का अधिकार है वो कितने साल का है 18 साल का, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो आर है मतलब आर का नंबर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। हम सभी जानते ही हैं कि जो वोट डालने का अधिकार होता है राइट टू वोट कितने का होता है 18 ईयर का होता है, तो इसका मीनिंग है आर कौन से नंबर पे हो जाएगा 18, जैसे किसी ने आर आया तुम्हारे पास में तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए राइट टू वोट, राइट टू वोट का मीनिंग क्या है 18 ईयर, तो इसका मीनिंग है कि आर मेरा कौन से नंबर पे हो जाएगा 18वें नंबर पे हो जाएगा। और मेरे पास में कौन बचा यू, तो अगर मैं यू की बात करूंगा तो यू का मतलब होता है युवा, और युवा युवा कितनी ईयर का होता है 21 ईयर का होता है, कितनी ईयर का होता है 21 ईयर का होता है युवा, तो यू का मीनिंग क्या हुआ यू कौन से नंबर पे आता है 21 नंबर पे आता है, तो अगर मैंने जैसे यू भी निकाल दिया, अब जैसे वी, अब वी का मीनिंग क्या है डब्ल्यू ई मतलब हम, वी का मीनिंग क्या है हम, वी हम दो और हमारे दो, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा 22, वी का मीनिंग क्या हो जाएगा जैसे बोल रहा है ना वी मतलब हम दो और हमारे दो, तो जो वी आएगा वो कौन से नंबर पे आएगा 22। तो मैंने क्या है कि ज्यादातर जैसे यहां जो भी नंबर्स हैं मैंने सबको बता कौन से नंबर पे आने वाला है, जैसे एक और बचा हुआ है के हो गया एल जे का 10, जब आई आई नो आई हो जाएगा 9 पे आई के बाद तो जे क्या हो जाएगा एच मैंने बता दिया, जी मुझे पता है जी कैसा लगता है, अगर मैं जी को थोड़ा आगे इंक्रीज करूं बैक टू बी 7 तो मैंने क्या हो जाएगा जी का कौन सा नंबर 7 नंबर आ जाएगा, ठीक है। जी के बाद में क्या आता है एच, एच मैंने बताया को थोड़ा ऊपर ले जाऊंगा थोड़ा नीचे ले जाऊंगा तो मेरे पास में क्या हो जाएगा ये 8 की तरह बन जाएगा, क्या होगा 8,
के मैंने बताई दिया, एक कितना हो गया 11 हो गया, तो के का नंबर कौन सा? इट लुक लाइक टू बी, इसका मीनिंग क्या है? मैंने इसके एम मीन्स एम का जस्ट अपोजिट, मुझे एम जैसा लगता है, जैसे एम ऐसे बनता है डब्ल्यू, तो इसमें 10 ऐड कर दूंगा, डब्ल्यू मीनिंग 23। और मैंने बताया था जो करना चाहिए वो 24, हमें 1 आवर का रेस्ट, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जो डब्ल्यू है 23 हो जाएगा। क्लास में वी का मैंने बताया, हम दो थे ना, वी डब्ल्यू ई, हम दो हमारे दो, तो वी का मीनिंग क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और देखो तुम्हारे पास में एक्स का, तुम्हें और एक्स वाई जेड सबको पता रहता है, 24 25 26। अगर मैं ए बी सी डी की बात करूंगा स्टार्टिंग से, ये भी सबको पता रहता है, 1 2 3 4, बहुत ज्यादा सिंपल है। जैसे और इसमें एन, अगर मैं एन की बात और करता हूँ तो क्या होता है, मुझे पता है एन का मीनिंग क्या है, का मीनिंग है नेहरू जी बर्थडे होता है 14 नवंबर, और उस दिन हम क्या करते हैं, चिल्ड्रन डे मनाते हैं, तो एन एन से समझ क्या है, 14, एन मीन्स नेहरू, और नेहरू जी क्या क्या है हो जाएगा, हम सभी लोग क्या रूप में उसे मनाते हैं। तो ये सब चीजें हैं, मैंने आर यू का किया, वी का किया, एन का किया, एल क्यू पी क्यू आई के एम डब्ल्यू, मतलब मोस्टली मैंने क्या है, ज्यादा से ज्यादा नंबर कवर कर लिया है। मैं पूछा भाई अब आओ साहब पी का नंबर है, पी जाएगा कैसा दिखता है, तो पी का क्या हो जाएगा 60। उसके बाद में फिर मैंने तुम्हें पूछा भाई एम एम तुम्हें जैसी एम कैसा दिखता है, 3 की तरह क्या है 13, टी टी 4 20, टी 4 20, तो तुम बता दोगे टी का क्या है, भाई मेरे पास में 28। मैंने बोला आर, तुरंत दिमाग में आएगा आर का मीनिंग राइट टू वोट, हर आदमी वोट डालता है, तो राइट टू वोट, वोट डालने का अधिकार कब होता है, जो बंदा 18 ईयर का हो जाएगा, तो इसका मीनिंग है कि जो आर है, आर कितना हो जाएगा, आर का नंबर हो जाएगा 18। उसके बाद में फिर मैंने टी भी हो गया मेरे पास में, यू यू मतलब युवा, और वैसे भी अगर तुम्हें टी पता है, टी के बाद में आता है यू, और टी से पहले क्या आता है एस, तो एस का क्या हो जाएगा 90, और टी का क्या हो जाएगा, टी 4 तो 20 है ही। और देखो मेरे पास में एक्स वाई जेड पता रहता है सबको, एल तुरंत दिमाग में आएगी, एल का मीनिंग है लंच, लंच करने का टाइम क्या होता है 12 o'clock, तो ये मेरे पास में लंच हो गया साहब 12 o'clock। के मैंने बता ही दिया कि किंग 11 के नाम से लर्न कर सकता हूँ, और के मतलब 11 मेरे पास में, तो ये सब मेरे पास में एक तरीके से अल्फाबेटिकल सीरीज को मैं इस तरीके से बिल्कुल देसी तरीके से लर्न कर सकता हूँ। अगर ये मुझे आता है, इनके नंबर मुझे आते हैं, तो वी डोंट नीड टू राइट द अल्फाबेटिकल सीरीज इन द क्वेश्चन पेपर, जस्ट वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन डायरेक्टली। एनी क्वेश्चन मेरे पास में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, तो मैं इसको क्या करूंगा, डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, ना कि मैं इसको राइट डाउन करूंगा। और हमारे लिए क्या करेगी ये हमारा टाइम सेव करेगी, क्वेश्चन को मैं देखूंगा और क्वेश्चन को मैं आसानी से क्या कर लूंगा, सॉल्व कर लूंगा। अब थोड़ा इससे आगे चलते हैं, ये तो था इनकी नंबर्स को मैंने अभी सीखा, अब मैं थोड़ा आगे बताऊंगा कि इनका मुझे रिवर्स नंबर कैसे फाइंड आउट करना है, मैं रिवर्स नंबर भी बताऊंगा, उसको भी सीखते हैं, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी रिवर्स नंबर और अपोजिट नंबर। अभी हमने क्या किया था, अभी जैसे जिससे पहले अभी जो हम देख रहे थे, मैंने ये बात पूरी जान ली कि अगर मेरे पास में पी है तो कौन से नंबर पे आने वाला है, ओ है तो कौन से नंबर पे आने वाला है, एन है कौन से नंबर पे आने वाला है। अभी हमने नंबरिंग की बात की थी कि कौन सा मेरे पास में अल्फाबेटिकल जो लेटर्स हैं वो किस नंबर पे आने वाला है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कोडिंग और डिकोडिंग को सीखने के लिए। अगर मैं इससे थोड़ा सा आगे और जाऊंगा, जैसे थोड़ा सा आगे की अगर मैं बात करूंगा, तो यहाँ मैंने लिखा है कि रिवर्स नंबर को फाइंड आउट करना, अपोजिट नंबर को फाइंड आउट करना, विपरीत लेटर को फाइंड आउट करना, इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है जैसे मैंने तुमसे बोला एल है, एल के अपोजिट में कौन होगा, तो ये तुम्हें आना चाहिए क्वेश्चन में, इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा और तुमसे बोलेगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो अभी हम बात करेंगे विपरीत नंबर की, ये भी बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, ये भी कभी आप भूल नहीं पाओगे, इसकी भी ट्रिक्स ही बताएंगे कि कैसे हमें ये लर्न करनी है। तो चलो भाई चलते हैं, कैसे लर्न करेंगे, तो इसके दो तरीके होते हैं लर्न करने के। मैं कुछ तो पहले तुम्हें इसकी ट्रिक्स की बात करते हैं कि इसकी कौन सी ट्रिक्स होने वाली है रिवर्स नंबर को लर्न करने की। देखो भाई क्या ट्रिक होगी, जैसे मैंने एक में वर्ड लिखता हूँ एल ओ बी ई, एक तो मैंने ये वर्ड लिखा, और एक में यहाँ दूसरा वर्ड लिखता हूँ एस एच आई आर टी जी, ये मैंने वर्ड लिखा, ये होता है शर्ट और ये मैंने लिखा लव। तो इस ट्रिक में क्या है कि जैसे मुझे ये चीज पता है अच्छे तरीके से कि जैसे एल है तो एल का रिवर्स कौन होगा ओ, ये मैं जानता हूँ कि एल का लव का मीनिंग है एल ओ बी ई,
तो इससे मेरे ये चीज समझ में आई कि जो एल है एल का रिवर्स कौन होगा ओ होगा और वी का रिवर्स कौन होगा ई होगा। तो ये बात मेरे यहां से समझ में आई। अगर मुझे किसी ने पूछा एल एल का रिवर्स क्या होने वाला है ओ और वी का रिवर्स क्या होने वाला है ई। नेक्स्ट में यहां चला एस, एस का रिवर्स कौन होगा एच और आई का रिवर्स कौन होगा आर। ये बात मैं अच्छे से जानता हूं कि एस का रिवर्स कौन है एच, आई का रिवर्स कौन है आर और टी का रिवर्स कौन है जी। तो एक तो मुझे ये वाली बात बहुत अच्छे तरीके से समझनी है, दो तो मुझे ये वाले वर्ड लर्न करने हैं। एनी हाउ इन ईच एंड एवरी कंडीशन वी हैव टू लर्न टू वर्ड्स लव एंड सर्व। अगर ये आते हैं ना तो मैं क्वेश्चन को बहुत आसानी से हैंडल कर पाऊंगा। क्वेश्चन में देखूंगा मुझे पता है, मुझे पता लग गया एल का रिवर्स होता है ओ, बी का रिवर्स होता है ई। अभी मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो एक तो ये शॉर्ट ट्रिक होती है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। जैसे मैंने पूछा ये तुम्हारे पास में एल, तो एल कहाँ है ये ना एल, एल का रिवर्स कौन है ओ, बी का है तुम्हारे पास में ये रहा बी का रिवर्स कौन है ई, एस का रिवर्स कौन है एस तुम्हारे पास मेरा, एस का रिवर्स कौन है एच और ये तुम्हारे पास में आई, आई का रिवर्स कौन है आर और टी, टी तुम्हारे पास में कहाँ है टी है ये 20, तो टी का रिवर्स कौन है जी। तो एक तो मैं इस तरीके से लर्न कर सकता हूँ कि एल ओ ई मैंने लिखा या मैंने लिखा एस एच आई आर टी जी, तो ये मैंने यहां से सीखा रिवर्स नंबर। दूसरा मैं कैसे करूंगा, जब भी मैं कभी रिवर्स नंबर फाइंड आउट करता हूं तो रिवर्स नंबर फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास में जो सम है, सम मेरे पास में ऑलवेज क्या होना चाहिए, सम ऑलवेज बी 27, सम हमेशा 27 होना चाहिए। अब जो मैंने अभी नंबर्स तुम्हें बताए थे कि जैसे टी कौन से नंबर पे आता है, तो मैंने क्या बताया था सम ऑलवेज बी 27 ऑफ रिवर्स नंबर। अगर मुझे अपोजिट नंबर फाइंड आउट करना है, रिवर्स नंबर फाइंड आउट करना है, तो उनका सम हमेशा क्या होना चाहिए 27 होना चाहिए। इस बात को समझो भाई कि इसका क्या मीनिंग है। जैसे मैंने बोला सम 27 होना चाहिए, मैंने तुम्हें पूछा टी का रिवर्स बताओ, टी का रिवर्स बताओ या टी का अपोजिट नंबर बताओ, तुम्हें पता है टी कितने होता है 20 पे। तो मैंने क्या बोला रिवर्स नंबर का सम हमेशा क्या होना चाहिए 27 होना चाहिए। तो 27 करने के लिए मैं इसमें क्या ऐड करूंगा, 7 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। 7 पे क्या आता है जी आता है, क्या आता है 7 पे जी आता है। तो इसका मीनिंग मेरे एक चीज समझ में आई कि जो टी है टी का रिवर्स कौन होगा जी होगा। भाई मैं किसी भी का पूछ सकता हूँ, जैसे मैंने बोला पी, मुझे बताओ कि पी का रिवर्स क्या होगा, मुझे पता है पी कैसा दिखता है, अगर मैं इसको अपोजिट करूंगा 6 की तरह दिखेगा, तो पी का नंबर कौन सा होता है 16। 16 में मैं कितना ऐड करूंगा 27 हो जाए, मैंने 11 ऐड किया, कितना हो जाएगा ये 27 हो जाएगा। तो 11 पे क्या आता है के आता है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो पी का रिवर्स है वो क्या होने वाला है के होने वाला है। तो एक तो तुम ये वाली चीज लर्न कर लो एल ओ बी ई और एस एच आई आर टी जी, इसका भी बहुत बड़ा मीनिंग है, अभी समझ में आएगा, पहले इसको लर्न रख लो। और ये मैंने बताया मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि रिवर्स नंबर अगर कभी भी फाइंड आउट करना है तो मैं जानता हूँ, जैसे ओ है मेरे पास में, ओ कितने पे आता है भाई साहब 15 पे आता है, तो 15 में मैं कितना ऐड करूँगा 27 हो जाए, तो 12 ऐड करना पड़ेगा, जब भी तो 27 होगा। और 12 पे मेरे पास में क्या आता है, 12 पे मेरे पास में एल आता है, 12 का मीनिंग क्या है लंच करने का टाइम है, लंच 12 बजे में करता हूँ, तो एल का नंबर क्या होगा 12 होगा, ठीक है। तो एल मेरे पास में 12 पे आ गया। या मैंने पूछा मुझे बता दो क्यू का रिवर्स क्या होगा या जे का रिवर्स क्या होगा, जे 10, जे 10, तो 10 में मैं कितना ऐड करूँ, हाउ मच नंबर विल बी एडेड इन जे, सो वी आर गेटिंग द 27। तो जे का मीनिंग क्या होता है 10, 10 में मैंने कितना ऐड किया 17 ऐड किया, कितना मिल जाएगा मुझे 27 मिल जाएगा। देखो मैं बताता हूँ और अच्छी तरीके से समझो, ये चीज तो समझ में आ गई ना, ये भी अपोजिट नंबर होते हैं। देखो और मैं समझाता हूँ, जैसे मैंने बोला मुझे बता दो जे, जे का रिवर्स बता दो क्या होगा, तो मुझे पता है जे कितने पे होता है 10 पे होता है। और मैंने ये चीज बार बार मैं बोल रहा हूँ कि रिवर्स नंबर का सम हमेशा 27 होता है, तो 27 का मीनिंग क्या है, इसमें मैं कितना ऐड करूँ 17, कितना आ जाएगा 27, तो 10 + 17 इक्वल टू 27 आया। तो 17 पे क्या होता है, ये मैंने तुम्हें बता दिया कि जी ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, जी होता है 7 पे, और जी का रिवर्स कौन होता है इस तरीके से क्यू बनता है, क्यू कितने पे होता है 17 पे, तो इसका जे का रिवर्स कौन हो जाएगा क्यू हो जाएगा, जे का रिवर्स कौन होगा क्यू होगा। तो मैं रिवर्स इस तरीके से फाइंड आउट कर सकता हूँ कोई भी नंबर हो, जैसे मैंने पूछा मुझे बता दो तुम टी का रिवर्स बता दो, टी फोर क्या होता है 20, 20 में कितना ऐड करूंगा 27 हो जाए 7, तो जो नंबर मैं ऐड करता हूँ वही इसका रिवर्स हो जाता है। तो 7 पे क्या आता है जी आता है, तो
तो टी का रिवर्स कौन हुआ, जी हुआ। तो एक तो ये वाली बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी यहां तुम्हें कोई डाउट है रिवर्स नंबर में तो फिर और एक ट्रिक्स को बताते हैं, उससे और ये सब चीज समझ में आ जाएगी कि इसका रिवर्स क्या होता है। देखो उसको भी समझो, वो भी बहुत अच्छी ट्रिक है। पर लेकिन ये मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कि दोनों का सम बस 27 करके देख लो, क्या तुम्हें नीड होगी ऐड करने की, वही उसका रिवर्स नंबर हो जाएगा। ये वाली बात मुझे लग रहा है समझ में आ गई होगी। अब देखो अगर ये नहीं समझ में आई है तो दूसरा समझते हैं। ए का रिवर्स हम सब लोग जानते हैं, जैसे ये भी एक ट्रिक है मेरे पास में, इसकी बात करते हैं। इस ट्रिक को भी समझो, ये भी बहुत बेहतरीन ट्रिक है लर्न करने के लिए। तो ये हम सब लोग जानते हैं, हम बोलते हैं ए टू जेड, ए टू जेड इस तरीके से बोलते हैं। तो हमें पता है ए का रिवर्स क्या होता है, जेड होता है, ठीक है। अच्छा फिर मैंने क्या किया, जैसे यहाँ एक मैंने वर्ड लिखा बॉय, ठीक है। बी का रिवर्स क्या हो जाएगा, बाई, अभी मैं पहले लिखता हूँ। और सी मैंने एक वर्ड लिखा क्रैक्स, ठीक है। एक मैंने वर्ड लिखा यहाँ डी ई डब्ल्यू, ड्यू, डी के बाद में फिर मैंने लिखा यहाँ ई वी एन आई एन जी, इवनिंग। फिर यहाँ लिखा मैंने एफ और यू, टी यू आर ई, फ्यूचर। फिर यहाँ मैंने लिखा जी टी, रोड। फिर मैंने लिखा यहाँ हाई स्कूल, एच एस हाई स्कूल। और फिर मैंने यहाँ पे लिखा इंटर। फिर मैंने लिखा यहाँ जंगल क्यूइन। फिर मैंने यहाँ पे लिखा कानपुर एपी। फिर मैंने यहाँ एल, वही सेम एल ओ वी ई। और फिर मैंने यहाँ लिखा एम ए एन। अब देखो एक ये भी मेरे पास में ट्रिक होती है। इस ट्रिक में मुझे क्या नजर आ रहा है, जैसे मैंने बोला यहाँ ये सब कुछ मैंने राइट डाउन कर लिया, जैसे ए टू जेड, तो ए का रिवर्स क्या होता है, जेड होता है, ठीक है। फिर इन्होंने बोला बॉय, तो एक क्या था, एक लड़का था मेरे पास में, बॉय था, तो मतलब बी का रिवर्स क्या हो जाएगा, बाई। देखो बी, बी का रिवर्स क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। और जो लड़का था वो क्या कर रहा था, जो क्रैक्स था, क्रैक्स एक बिस्कुट आता है, उसने वो बिस्कुट लिया। तो सी का रिवर्स मेरे पास में क्या हो जाएगा, बी का रिवर्स यहाँ से क्या हुआ, बाई। सी का रिवर्स मेरे पास में क्या हुआ, एक्स। उसने क्रैक्स बिस्कुट लिया और वो बिस्कुट खा रहा है किसके साथ में, डीयू के साथ में। तो डी का रिवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे डीयू हो जाएगा। तो बॉय था, एक लड़का था, तो बी का रिवर्स हो गया बाई। उसने एक क्रैक्स बिस्कुट लिया और वो बिस्कुट को किसके साथ में खा रहा है, ड्यू, कोल्ड ड्रिंक के साथ में खा रहा है। तो डी का रिवर्स क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। और सी का रिवर्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, सी एक्स क्रैक्स, ठीक है। अब फिर जब उसने जो ड्यू ले ली, क्रैक्स बिस्कुट भी ले लिया, अब वो कहाँ जाता है, इवनिंग के टाइम में, शाम के टाइम में। तो ई का रिवर्स कौन हो जाएगा, वी। ई का कौन हो जाएगा रिवर्स, वी। इवनिंग के टाइम में ई वी, इवनिंग के टाइम पे वो कहाँ जाता है, अपने फ्यूचर की बात करने के लिए। एफ का रिवर्स कौन हो जाएगा, यू, एफ यू, फ्यूचर की बात करने के लिए वो जी टी रोड पर निकल जाते हैं। भाई साहब कहाँ चले जाते हैं, जी टी रोड पर चले जाते हैं। जी का रिवर्स कौन हो जाएगा, टी, वो जी टी रोड पर चले जाते हैं। उसके बाद में उन्होंने क्या कर रखा था, जैसे जी टी रोड पर जाते हैं तो वो किसकी बात करते हैं, अपने फ्यूचर की बात करते हैं। और उन्होंने हाई स्कूल कर रखा था, और हाई स्कूल करने के बाद में वो सोच रहे थे, तो एच, एच का रिवर्स कौन हो जाएगा, एस। हाई स्कूल उन्होंने कर रखा था, और हाई स्कूल के बाद में वो इंटर की बात कर रहे थे, इंटर में किस स्ट्रीम से करूं, मैथमेटिक्स लूँ या आर्ट स्ट्रीम लूँ, या मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो यहाँ आई का रिवर्स कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। हाई स्कूल करने के बाद में वो इंटर की बात करने के लिए जीटी रोड पर चले गए थे अपने मित्रों के साथ में घूमते हुए। फिर उन्हें क्या हुआ, वहां पे एक जंगल क्वीन मिल जाती है, और वो जो जंगल, जे का रिवर्स कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, जंगल क्वीन मिलती है। और जो जंगल क्वीन थी वो कहाँ की थी, वो कानपुर की थी। तो तो के का रिवर्स कौन हो जाएगा, पी। अब जब वो कानपुर की थी तो बातों ही बातों में उन्हें क्या हो गया, लव हो गया। तो एल का रिवर्स कौन हो जाएगा, ओ। और वी का रिवर्स कौन हो जाएगा, ई। ये बात मैं बता चुका हूँ। फिर वो बड़ा होके क्या बन जाएगा, आदमी बन जाएगा। जब 10th क्लास में था, जब वो जीटी रोड पे गया था घूमने के लिए, फिर ये जंगल क्वीन भी मिल गई उसे कानपुर की, उसके बाद में अब वो आदमी बन गया। तो एम का रिवर्स कौन हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो एक मेरे पास में ये भी ट्रिक है, मैं इससे भी लर्न कर सकता हूँ। और मैंने तुम्हें दो ट्रिक बता दी इसकी भाई साहब। एक तो मैंने यही बताया कि हमेशा अगर मैं कभी भी रिवर्स नंबर फाइंड आउट करूंगा तो जो सम है मेरे पास में 27 आना चाहिए। तो ये बात मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। जैसे मैंने बोला एच का मुझे रिवर्स बता दो, एच मेरा होता है 8। 8 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास में 27 है, 19। तो इसका मीनिंग है कि 19 क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स नंबर हो जाएगा। तो 19 पे क्या आता है, तुम्हें पता है T4 होता है 20, तो
एस फोर क्या हो जाएगा 19, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो एच है एच का रिवर्स क्या हो जाएगा एस हो जाएगा। और फिर मैंने ये भी बता दिया कि मैं हाई स्कूल किए हुए था, एक ये वाली ट्रिक है इसको ध्यान रखो, और ये दो वर्ड ये वाले ध्यान रख लो, एक ये वाला वर्ड ध्यान रखो एस एच आई आर टी जी, देखो एस का रिवर्स एच, आई का रिवर्स आर, टी का रिवर्स जी, देखो है ये लिखा है ना एस एच, तो एस का रिवर्स एच आई आर, आई का रिवर्स क्या होगा आर होगा, और टी का रिवर्स क्या होगा जी, रिया टी का रिवर्स जी, इसको ध्यान रखो, और एक इसको ध्यान रखो एल ओ वी ई, एल का रिवर्स ओ और वी का रिवर्स क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। अब मैं क्या है कि इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं बताता हूँ कितनी देर की। अब मैंने क्या किया है कि जो कोडिंग और डिकोडिंग थे उसके मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं, अभी मैं और भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, इसमें 3 to 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अभी क्या है कि इस वीडियो में मैं दो ही क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, फिर वीडियो की लेंथ है थोड़ा ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया, जैसे हमेशा अगर मैं कोडिंग और डिकोडिंग की बात करता हूँ तो जो क्वेश्चन मेरे पास में आता है देखने के लिए, उस क्वेश्चन में हमेशा एक चीज आती है ऐसे लिखा हुआ यहाँ पे इन अ सर्टेन कोड, मतलब किसी भाषा में या किसी विशिष्ट भाषा के अंदर फिश इज कोडेड एज ई एच आर जी। मैंने फिश को क्या लिखा, फिश को मैंने लिखा ई एच आर जी, तो वो मुझे पूछेगा कि जंगल को मैं उसी भाषा में क्या लिखूंगा। जैसे ये मैंने कोडिंग कर दी, कोडिंग का मीनिंग है कि इसे हम समझ नहीं पाएंगे, बस इससे मुझे ये समझना है कि ई एच आर जी आया वो कैसे आया, मुझे ये समझना है। फिर उसके बाद में जो मैंने यहाँ फिश को लिखा ई एच आर जी, वही मुझे क्या करना है कि जंगल का कोड यहाँ पे बनाना है अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, जो मेरे पास में फिगर दिया है, तो मुझे पता है या एफ आया है, तो एफ से बहुत क्लियर है मेरे पास में, जैसे एफ है तो एफ से यहाँ पे क्या हुआ है एक सब्टेक्ट हुआ है। अगर जैसे मुझे दिख रहा है ये चीज, जैसे अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ, ये मेरे पास में लिखा है एफ आई एस एच, और यहाँ मेरे पास में क्या लिखा है ई एच आर जी, तो ये मुझे लग रहा है कि यहाँ से क्या हुआ है एक सब्टेक्ट हुआ है, यहाँ से भी एक सब्टेक्ट हुआ है, यहाँ से भी एक सब्टेक्ट हुआ है, यहाँ से भी एक सब्टेक्ट हुआ है, तो मुझे क्या है कि कोड समझ में आ गया। क्या कोड मेरी समझ में आया कि अगर फिश को उसने ई एच आर जी लिखा है तो एक एक नंबर का क्या कर दिया है सबटेक्शन कर दिया है, तो अगर मुझे जंगल को लिखना पड़ेगा तो मैं जंगल से भी एक कम कर दूंगा, तो मुझे पता है जे है तो जे से एक कम करके लिखना है, तो जे क्या होता है 10, और 10 से एक कम करूंगा 9, 9 पे क्या आता है आई, आई नो यू, यू युवा, युवा कितने साल का होता है 21 साल का, 21 मैंने एक कम कर दिया तो क्या हो जाएगा मेरे पास में 20, और 20 पे क्या आता है मेरे पास में टी आता है, एन एन मेरे पास में क्या होता है 14, 14 क्यों नेहरू जी का बर्थडे होता है, चिल्ड्रन डे हम मनाते हैं, तो 14 में से एक कम करेंगे 13, 13 कौन होता है एम होता है मेरे पास में 13, क्योंकि इट लुक लाइक टू बी 3। मैंने जी की बात की, जी मेरे पास में होता है 7, और अगर मैं सेव जी मतलब तुरंत दिमाग में आ जाएगा जी ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, और अगर मैं जी को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ 7 नंबर पे आता है इस तरीके से, तो ये 7 नंबर पे आएगा, तो जी में से अगर एक कम कर दिया 6, 6 का मीनिंग क्या है फिक्स, 6, 6, 6, तो जी का क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ आ जाएगा। एल लंच करने का टाइम क्या होता है भाई साहब 12 बजे का होता है, 12 में से एक कम कर दिया क्या आ जाएगा 11, तो 11 पे क्या आ जाएगा मेरे पास में किंग 11, किंग 11, या दो डंडे मुझे दिखते हैं एक डंडा ऐसे एक डंडा ऐसे 11। ई ई मेरा कौन से नंबर होता है 5 नंबर पे, 5 में से एक कम कर दूंगा 4, 4 पे क्या आ जाएगा मेरे पास में डी आ जाएगा। तो देखो अब क्या है कि कुछ लोग पूरा एबीसीडी को राइट डाउन करते हैं, फिर देखते हैं कि इससे एक कम हुआ है कैसे हुआ है, अगर मुझे नंबर्स लर्न है ना तो वी आर एबल टू राइट वेरी इजिली, इससे ज्यादा आसान कुछ हो नहीं सकता अगर मुझे नंबर आते हैं तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन को करता हूँ। सेम क्वेश्चन मेरे पास में एक मुझे ये कोड दे दिया ये वाला, इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि एक ये वर्ड है मोशन, और मोशन को उन्होंने लिखा है एन एल जी आर एल एम, ये लिखा हुआ है, और उन्होंने पूछा है कि उसी लैंग्वेज में व्हाट वी आर राइटिंग द वेक्टर, व्हाट शुड बी द कोड ऑफ द वेक्टर इफ वी आर राइटिंग मोशन इन दिस कोड। अगर मैंने मोशन को इस तरीके से कोड किया है एन एल जी आर एल एम, तो मैं उसी लैंग्वेज के अंदर मैं वेक्टर को किस तरीके से कोड करूंगा। तो अब मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी अभी, मैंने यहां क्वेश्चन देखा एम के बाद में एन आया, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये तो कंटिन्यूस सीरीज में जा रहा है, एम के बाद में एन आया ठीक है, फिर यहां आया ओ, अब ओ के बाद में क्या आता है पी आता है, लेकिन यहां ये पी नहीं आया, ओ के बाद में एल आया, फिर यहां टी के बाद में आना चाहिए यू, लेकिन यहां तो जी आया। अब तुम कहोगे यहाँ तो कोई भी सीरीज नहीं बन रही, मुझे कोड को क्या करना पड़ेगा रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अब अगर तुम्हें ट्रिक थोड़ी भी ट्रिक अगर आती है, तो मैंने दो ट्रिक अभी तुम्हें बताई थी,
और मैं बार बार अभी तुमसे बोल ही रहा था, बस दो चीज ध्यान रखनी है, LOVE, एक के ध्यान रखो, एक ये ध्यान रखो, SHIRTG, अगर इतना आता है ना तो क्वेश्चन तुरंत समझ में आ जाएगा। यहाँ आया O, यहाँ आ रहा है L, तुरंत दिमाग में आएगा ये तो रिवर्स नंबर लिख रहा है, क्योंकि L का रिवर्स क्या होता है, O होता है। और क्या समझ में आएगा, यहाँ है T, ठीक है, और T का रिवर्स कौन है, G, ये भी तुम्हें पता है T का रिवर्स कौन होता है, G। तो तुम्हारे माइंड में आ गया कि जो इन्होंने मोशन लिखा है ना, मोशन का इन्होंने रिवर्स नंबर करके लिख दिया। रिवर्स का मीनिंग क्या है, कि जैसे M है, M का रिवर्स कौन होता है, N होता है, O का रिवर्स कौन होता है, L होता है। रिवर्स का मीनिंग मैंने तुम्हें बता ही दिया कि M का उल्टा कौन होगा, M के विपरीत कौन होगा। तो M अगर मेरा 13 पर है तो मैंने 14 ऐड किया उसमें, तो क्या आ जाएगा, 27। 27 14 ऐड किया तो 14 पर क्या होता है, N होता है। या तो इस तरीके से फाइंड आउट कर लो, या फिर डायरेक्ट इस तरीके की ट्रिक से हम सीख सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैं इसको बहुत आसानी से लिख लूंगा, मैंने रिकग्नाइज कर लिया O को, फिर इन्होंने L लिख दिया, तो इन्होंने रिवर्स करके लिखा है। तो मैं कैसे लिखूंगा, जैसे मैंने लिखा, मैंने वेक्टर को लिखा, तो मैं पता है V, तो V का रिवर्स कौन होता है, E, तो यहाँ V को आ जाएगा E। E का रिवर्स कौन होता है, V, V का रिवर्स E, और E का रिवर्स हो जाएगा V। अब आया C, C का रिवर्स क्या होता है, मैंने बोला था क्रैक्स खाया उस लड़के ने, तो क्रैक्स, तो क्या हो जाएगा, C का रिवर्स X। फिर एक T, तो हमने बोला T का रिवर्स क्या होता है, GT रोड पर गया था बात करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, या तो इस तरीके से कर लो, T का रिवर्स क्या है, G, G T या TG। O का रिवर्स मैंने पहले ही बता दिया, O का रिवर्स क्या होता है, L, ठीक है, O का रिवर्स L हो जाएगा। अब फिर तुम्हारे पास में क्या बचा, R बचा, तो R का रिवर्स क्या होता है, IR, ऐसे ही तो होता है, SHIRTG, कैसे भी कर लो, I का रिवर्स R होता है, तो यहाँ R है तो R का रिवर्स क्या हो जाएगा, मेरे पास में I हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसको कोडेड किया हुआ है। अभी मैं और भी इस पे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जो नंबर सीरीज पे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, हम मैसेज को किस तरीके से कोड करते हैं उस पर डिस्कस करेंगे, और सब्ट्यूशन वाले कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, तो वो आगे वाली वीडियो में तुम्हें देखने को मिलेगा। अब मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, और ये पूरा तुम्हारे इसको एक बार देखना, कभी भी कोडिंग रिकोडिंग में डाउट नहीं रहेगा। और ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है, अगर मैं SSC JEE की स्पेशली बात करूँ तो 2 से 3 5 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं out of 50, और SSC CGL के अंदर भी, UPPCS के अंदर भी, हर जगह ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। थैंक यू सो मच, और इसको लाइक शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें, मुझे बताते रहें कि वीडियो कैसी है। थैंक यू।